ये श्री तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने सरकार में थे तो वो प्रक्रियाधीन करके आए थे, सभी पर हस्ताक्षर हो चुका था, उसी का देन है आज जो नौकरी मिल रहा है। 3 लाख और लोगों को नौकरी देना था, लगातार हम लोग कह रहे हैं जल्द से जल्द 3 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शरण कुमार। देखिए कल संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण चल रहा था और इस दरमियान नेता प्रतिपक्ष जो राहुल गांधी है उनको उन्होंने बच्चा कहा। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय तिवारी जी, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मोदी जी ने कहा है अभी वो बच्चा है। अरे भाई, आदरणीय मोदी जी और राहुल गांधी जी को बच्चा कह रहे हैं तो आदरणीय मोदी जी को लोग क्या कहेंगे, बुजुर्ग कहेंगे? भाई ये बच्चा और बुजुर्ग से देश का क्या भला होना है? जो श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सवाल खड़े किए उसका जवाब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 घंटा से ज़्यादा के भाषणों में भी नहीं दे पाए। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी लग रहा था उनका चेहरा उतरा हुआ था, उनका बॉडी लैंग्वेज गड़बड़ाया हुआ था, उबाऊ भाषण से देश जो सुनना चाहती थी आपका आगे का ब्लूप्रिंट क्या है, आप क्या करना चाहते, क्योंकि 10 वर्षों में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्रियाकलाप रहा उसको सब लोग जानते हैं। तो राहुल गांधी जी ने चुन चुन कर वो सवाल किए जो देश हित में थे। राहुल गांधी जी का मजाक बनाने से देश का भला नहीं होना है। राहुल गांधी जी को बालक बुद्धि, अरे बालक में तीव्र बुद्धि, बालक के बुद्धि पर को कम से कम आप छोड़ देते, उसका तो मजाक नहीं बनाते, इसका मतलब देश के सभी बालक तो लोग बुजुर्ग के बुद्धि पर भी कहेंगे कि बुजुर्ग बुद्धि है। ऐसे नहीं चलता है, लोकतंत्र चलता है विपक्ष के, जनता की आवाज़ विपक्ष उठाती है, उसके जवाब से संतुष्ट करना चाहिए विपक्ष को। अब हर चीज़ के लिए नेहरू जी, इंदिरा जी, कांग्रेस, भाई 10 वर्ष आपको हो गए सत्ता में, आपसे सवाल पूछा जा रहा है किसानों पर, रोजगार पर, महंगाई पर, मणिपुर पर, इस पर कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, कह रहे हैं हमने कर दिया, हमने ये किया, हमने वो किया, ये सब से काम नहीं चलेगा। चलिए, आप कह रहे थे कि 17 महीने की जो सरकार थी महागठबंधन के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, नौकरियां बांटी थी, आज NDA की सरकार है, आज राजस्व विभाग में 10,000 नियुक्तियां पत्र बांटी जाएगी, तो ये NDA सरकार का देन है। ये श्री तेजस्वी यादव जी जब 17 महीने सरकार में थे तो वो प्रक्रियाधीन करके आए थे, सभी पर हस्ताक्षर हो चुका था, उसी का देन है आज जो नौकरी मिल रहा है। 3 लाख और लोगों को नौकरी देना था, लगातार हम लोग कह रहे हैं जल्द से जल्द 3 लाख लोगों को नौकरी दी जाए। मतलब अभी 3 लाख और नौकरियां हैं? तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख नौकरियां बांटी, 3 लाख प्रक्रियाधीन कर आए, बार बार सब जगह हम लोग बोल रहे हैं, तो वो विभाग में जो विभागों में किया गया था वो सबको जल्द से जल्द देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नौकरियां हम लोगों ने 3 लाख और भी अभी प्रक्रियाधीन है वो भी मिलेगा, मगर यहाँ तो जदयू के लोग कह रहे हैं कि हम लोग नौकरियां दे रहे हैं मगर जमीन नहीं ले रहे हैं। जदयू से पूछिए कि जब तेजस्वी यादव जी 10 लाख नौकरी देने का बात किए थे तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे थे लोगों को, कहाँ से देगा, असंभव है, पिताजी से पैसा लाएगा, ये सब ने सुना है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब जब तेजस्वी यादव जी सरकार में आके दिखा दिए कैसे नौकरी दिया जाता है, अब JDU क्या बोलेगी? रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव जी, ये सबको पता हो गया, तब अब लोग नौकरी पर हमारे विरोधी भी बात करने के लिए मजबूर। वो तो कह रहे हैं कि वो नौकरियाँ देते हैं जमीन लेते हैं, वो कहेंगे कि रात हो गया तभी मान लीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं जो आपने देखा है उस पर तो विश्वास कीजिए, वो तो कह रहे हैं जमीन ले ली। अरे आपने तो लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया, आप तो बिहार में जो बात वो कैसेट बजा रहे हैं अभी देख रहे हैं, तेजस्वी यादव जी जब अपराध पर बोल रहे हैं, रोज पुल गिर रहे हैं, इससे पूछिए वो कह रहे हैं कि वो भी तेजस्वी यादव कर दिए, तो ये सरकार में काय के लिए बैठे हुए हैं। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी। तमाम सवालों का जवाब दिया, तमाम खबरों के साथ बने रहे। फर्स्ट बिहार से शैलेंद्र कुमार, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब?
ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।